गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपकी महादेवी। कैसे आप लोग? आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ डिनर के लिए। आज कुछ अच्छा सा खाने को दिल बोल रहा था, इसलिए मैं पाव भाजी बना रही हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बताऊंगी। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो बताना मत भूलिएगा। चलिए, तो हम लोग एक कढ़ाई रखे, कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, भी तेल गरम हो गया है। हम लोग इसमें एक स्पून बटर डालेंगे, अब हम लोग बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर को ज्यादा गरम नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें से जलने की स्मेल आएगा। मेल्ट होते ही साथ साथ मैंने एक दो हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक को ग्राइंड करके रख लिया है, वो डाल दिए। अब हम लोग इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसमें से कच्चा स्मेल चले जाना चाहिए। अच्छे से फ्राई करना चाहिए, अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी हम लोग इसमें बारीक कटे हुए ऑनियन डाल देंगे। मैं दो बड़े ऑनियंस कट करके रखी हूँ, दो बड़े ऑनियंस कटे हुए डाली हूँ। अब हम लोग इसके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। इसमें सॉल्ट डालने से अच्छे से ब्राउन कलर आएगा और जल्दी पक जाएगा। देखिए, ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इसमें टमाटर डालेंगे। मैं तीन छोटे टमाटर, मीडियम साइज के टमाटर डाले हूँ। इसे भी अच्छे बारीक से कट कर लेना चाहिए। हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। कैप लगाकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे एक मिनट के लिए। देखिए, पक गया है। इसमें एक स्पून धनिया पाउडर, टू स्पून रेड चिल्ली पाउडर। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, ये आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। दो स्पून के करीब पाव भाजी मसाला,
अब हम सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑलरेडी आलू और शिमला मिर्च कैरेट को उबाल के रख लिया है। कैप लगा के हम लोग इसे भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा पक गया है। इसमें उबले हुए शिमला मिर्च और कैरेट को डाल दिया है। अगर आपके पास मटर है तो मटर डालना मत भूलिए, मटर से बहुत अच्छा स्वाद आता है। मेरे पास अभी मटर नहीं थे इसलिए मैंने मटर नहीं डाला। ग्रीन पीस से कलर भी अच्छा आता है और उसका स्वाद भी बढ़ता है। अब इसमें हम लोग स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल देंगे। फिर से सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है। मैं अभी इसमें उबले हुए और उसे कट करके रखे हुए पोटैटो को डाल दूंगी। इसे अभी हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। सेम प्रेस करते हुए मिला लेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मैश हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसे मैश कर लेंगे। अगर आपके पास कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस तो डालना मत भूलिएगा। अभी मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी पूरा। दो वेजिटेबल पकाया था उसके पके हुए पानी को मैंने वैसे ही रखा था, वो पानी को मैं इसमें डाल दूंगी। अभी फिर से और एक बार मैश कर लूंगी अच्छे से। अभी हम लोग इसमें और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अभी इसे मैश किए हुए को अच्छे से मिला लेंगे।
ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए पक गया है, थोड़ा थिक हो गया है। अभी हम लोग इसमें और थोड़ा पानी डाल के ग्लास के करीब पानी डाली हूँ इसमें। ये ऐसा लिक्विड दिख रहा है लेकिन पकने के बाद थिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोटैटो है ना, इस वजह से जल्दी थिक हो जाता है ये। ये पक रहा है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। और आप लोग और डार्क कलर चाहते हैं तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगा, ये ऑलरेडी इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसमें हरा धनिया डाल दी हूँ। अभी इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ रही हूँ। हमारे घर में पाव भाजी सभी को बहुत पसंद है। अब नींबू डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। मैंने 1 स्पून के करीब इसमें बटर डाल दिया है। अभी हम लोग पाव को बटर तवे पे बटर लगा के फ्राई कर लेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक रख देंगे। आप लोग चाहे तो बटर इसे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। मेरे हस्बैंड को बटर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया है। फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अभी मैं ऑलरेडी प्लेट लगा के रख दी हूँ। अभी हम लोग पाव को प्लेट में लगा के प्लेट मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ। इसके साथ ऑनियन और नींबू ना हो तो इसका स्वाद ही नहीं आएगा। अभी मैं लस्सी बना रही हूँ। लस्सी के लिए मैंने करीबन 2 ग्लास जितना कर्ड लिया है। मैं 4 से 5 स्पून अभी शुगर डालूंगी।
आप लोग शुगर की बजाय शुगर पाउडर डालेंगे तो और अच्छा मेल्ट होगा। एक चुटकी नमक, नमक डालने से इसका स्वाद अच्छा आता है। इसमें आइस क्यूब्स, अभी मैं इसमें 6 से 7 आलमंड डाली हूँ। अब हम लोग इस सब को मिला के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ। अगर आपके पास पिस्ता है तो पिस्ता भी डालिए, इससे अच्छा स्वाद आता है और पीने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग चाहे तो इसमें मैंगो डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डालूंगी, बस मेरा लस्सी तैयार है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को, साथ में एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का जितना सब्सक्राइब होगा मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। ओके बाय।